नमस्कार साथियों, पीके फार्मा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज, जो कि आने वाली हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक दे रखा है, तो वहाँ आप ज्वाइन करके किसी क्वेश्चन संबंधी कोई दिक्कत है तो उसे आप हमें डिस्कस कर सकते हो। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिसिन इज, तो करेक्ट आंसर होगा इसका हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज ड्रग, ऑप्शन ए लीव्स, ऑप्शन बी फ्लावर्स, ऑप्शन सी फ्रूट्स एंड ऑप्शन डी गम्स, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी गम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग इज नॉट अंडर द सीड क्लास, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जिसको हम सीड की क्लास में नहीं रखते, ऑप्शन ए इज नक्सोमिका, ऑप्शन बी डिजिटेलिस, ऑप्शन सी स्ट्रोपेंथस एंड ऑप्शन डी इसबगोल, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर इज डिजिटेलिस। आप सभी को पता है डिजिटेलिस कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट यूज एज एंटी मलेरियल ड्रग इज, तो कौन से प्लांट है जिसे हम एंटी मलेरियल ड्रग के लिए यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए आर्टेमिसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटेरिक प्लांट ऑफ फॉलोइंग ड्रग यूज एक्सेप्ट, तो इनमें से एक कौन सी ड्रग है जिसके एंटेरिक प्लांट को हम यूज नहीं करते, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी क्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग नॉट बिलोंग टू ग्लाइकोसाइड क्लास इज, तो कौन सी ड्रग है इनमें से चारों ऑप्शन में से जो ग्लाइकोसाइड क्लास को बिलोंग नहीं करती, तो डिजिटली आप सभी को पता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, सेना एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है या एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड भी कह सकते हैं इसको, उसके बाद में ऑप्शन सी आता है नक्स वोमिका, तो ये ग्लाइकोसाइड नहीं है। ऑप्शन डी को देखें तो कैस्कारा, कैस्कारा भी एंथ्रासाइन ग्लाइकोसाइड से आती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी नक्स वोमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग नॉट बिलोंग टू टैनिन क्लास, तो चार ऑप्शन में से कौन सी ड्रग है जो टैनिन क्लास से बिलोंग नहीं करती, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी पिपरमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग विच नॉट शो कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज नहीं शो करती, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए डिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग इज नॉट यूज एज ए एक्सपेक्टोरेंट, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जिसको हम एस्पेक्टोरेंट के लिए यूज नहीं करते, ऑप्शन ए दे रखा है इपेकुआना, ऑप्शन बी वसाका, ऑप्शन सी लिक्विराइज एंड ऑप्शन डी एट्रोपिन, तो आप सभी को पता है एट्रोपिन एस्पेक्टोरेंट के लिए यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग इज यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव इज, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जिन्हें हम एंटी हाइपरटेंसिव में यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए रावोल्फिया। तो रावोल्फिया से हमें कौन सी ड्रग मिलती है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कलॉइड्स आर टाइप ऑफ सब्सटेंस, तो एल्कलॉइड किस टाइप के सब्सटेंस है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेसिक है या नॉन ऑफ द अबव है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोसाइड आर कंडेंसन प्रोडक्ट्स ऑफ, तो ग्लाइकोसाइड का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो किस किस में टूटता है, ये ग्लाइकोन और एग्लाइकोन पार्ट में, तो ग्लाइकोन को हम शुगर भी कह सकते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए शुगर प्लस एग्लाइकोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैनिन गिव विच कलर विथ आयरन कंपाउंड्स, जो टैनिन होते हैं वो आयरन कंपाउंड के साथ में कौन सा कलर देते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी
bilious black. Next question, balsam contains mainly acids. जो balsam contain होता है तो उसमें कौन कौन से acid होते हैं? तो correct answer होगा इसका option D, benzoic acid and cinnamic acid. Next question, proto alkaloids are also called. जो proto alkaloid होते हैं उन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अमीनो एल्कलॉइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो एल्कलॉइड्स इज. तो स्यूडो एल्कलॉइड्स का एग्जाम्पल पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कैफीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ इंडोल एल्कलॉइड्स. तो आप सभी को पता है इर्गट, फाइगोस्टिग्मा और विनका, ये सब इंडोल एल्कलॉइड क्लास में आते हैं, जबकि लिक्वराइजा नहीं आता. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लिक्वराइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्रेचिनिन इज. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, इंडोल. जो इंडोल एल्कलॉइड्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रेचिन रिंग प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडली नाइट शेड इज सिनोनिम ऑफ. तो डेडली नाइट शेड किसका सिनोनिम है? तो आप सभी को पता होगा करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बेलेडोना. इसे हम किससे ऑप्टेन करते हैं? एट्रोपा बेलेडोना से, और ये एक ट्रोपेन एल्कलॉइड्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली ऑफ विनका. आप सभी को पता है विनका एक इंडोल एल्कलॉइड्स है, इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ इर्गट इज. तो इर्गट का यूज किस में होता है? यह भी इंडोल एल्कलॉइड्स है, तो इसका यूज हम ऑक्सीटॉक्सिक में यूज करते हैं, प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज में भी यूज कर लेते हैं, एंड माइग्रेन में यूज करते हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इर्गट इज. तो इर्गट के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं इर्गोमेट्रिन, इर्गोटामाइन और इर्गोक्रिस्टिन. तो इनमें वाटर सोल्यूबल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इर्गोमेट्रिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली ऑफ इपेकाक इज. तो इपेकाक की फैमिली क्या है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रूबिएसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नॉट नेचुरली ऑब्टेंड फ्रॉम ओपियम इज. तो कौन सा केमिकली कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसे हम नेचुरली ऑब्टेंड नहीं करते ओपियम से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, हीरोइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्न एप्पल इज द सिनोनिम ऑफ. तो थॉर्न एप्पल किसका सिनोनिम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, स्ट्रामोनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ए बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिनकोना इज. तो इनमें से सिनकोना का बायोलॉजिकल सोर्स नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिनकोना इंडिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, इर्गट एल्कलॉइड इज डेरिवेटिव ऑफ. जो इर्गट एल्कलॉइड होते हैं वो किसके डेरिवेटिव होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, लाइसर्जिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपियम एल्कलॉइड इज द डेरिवेटिव ऑफ. तो ओपियम एल्कलॉइड किसके डेरिवेटिव होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मेकोनिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इर्गट एल्कलॉइड इज केमिकली गिव विच टेस्ट. तो इर्गट जो एल्कलॉइड होते हैं वो कौन सा केमिकली टेस्ट देते हैं? तो वान वार्क टेस्ट देते हैं. अगले क्वेश्चन पे आने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वान वार्क रिएजेंट केमिकली नॉन एज. तो वान वार्क रिएजेंट हम किस में यूज करते हैं? इर्गट के केमिकली टेस्ट में. तो वान वार्क रिएजेंट क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पैरा डाइमिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोफिक सीड इज सिनोनिम ऑफ. तो क्रोफिक सीड किसका सिनोनिम है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नक्स वोमिका. आप सभी को पता है नक्स वोमिका इंडोल एल्कलॉइड से ऑब्टेन किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट वोमिका कंटेंस विच टाइप ऑफ ट्राइकोम्स, जो नेक्स्ट वोमिका है उसके अंदर किस टाइप के ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए लिग्निफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग कंसिस्ट वाटरी ट्राइकोम्स, तो कौन सी ड्रग है जिसमें वाटरी ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन इज, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी हीरोइन। हीरोइन क्या है, मॉर्फिन का डाई एसिटाइल डेरिवेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुर्किश ओपियम इज कॉमनली नोन एज, तो टुर्किश ओपियम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ड्रगिस्ट ओपियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे हमारे फार्माकोग्नोसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड कर रखी हैं, हर एक टॉपिक से संबंधी, हर एक सब्जेक्ट से संबंधी, प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम लिंक भी दे रखा है, वहाँ भी आप ज्वाइन करके वहाँ भी देख सकते हो। वहाँ पे हम डेली क्वेश्चन के क्विज कराते हैं, तो आप ज्वाइन करके उन्हें सॉल्व कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।